हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ, उसका जो डेमो है, लाइव डेमो मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ लें, उसके बाद जो है वो हम एक्सपेरिमेंट टेबल पे जाके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट का नेम है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट यूजिंग न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। सो ये हमने ऑलरेडी थ्योरी में भी डिस्कस कर रखा है, मेरे पुराने वाले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में बच्चों। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एम जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें सोडियम लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है यूजिंग न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज इंटरफेरेंस इन अ वेज शेप थिन फिल्म। सो इंटरफेरेंस पैटर्न है इसका मेन, जो प्रिंसिपल है, फिनोमिना जो अकर हो रहा है वो हो रहा है इंटरफेरेंस थ्रू द वेज शेप। वेज मतलब कि जो कि पैरेलल नहीं है, अंडरस्टैंड, जो पैरेलल नहीं है, अभी हम बात करेंगे। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस, ये आपको बाय में क्वेश्चन आ सकता है। इट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स लीडिंग टू द मॉडिफिकेशन ऑफ देयर इंटेंसिटी और द एनर्जी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन, और जिसमें हमें ब्राइट और डार्क रिंग्स हमें मिलेंगी, या आप बोलिए फ्रिंज हमें मिलेंगी, जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पास टेबल है, ये रिंग्स 3, 6, 9, 12 एंड 15, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये डायमीटर है दोनों का, माइनस डायमीटर का स्क्वायर और एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन और पी थ्री। तो इसका आपको एवरेज जो मीन यहाँ पे लेना है। ठीक है बच्चों, तो डी एस, अब यहाँ पे जो डी स्क्वायर इसका आपको मीन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पहले तो आपको इसको निकालना, फिर उसका मीन आपको ले लेना है। ठीक है, तो टोटल जो हमारा एम है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें सोडियम लाइट जो वेवलेंथ है, उस सोडियम लाइट की वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करें। तो सोडियम लाइट है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, ये सोर्स है, अंडरस्टैंड, ये सोर्स है, ये ग्लास प्लेट 45 डिग्री इंक्लाइंड है, ये हमारे पास प्लानो कन्वेक्स लेंस है, दैट इज प्लानो कन्वेक्स लेंस और प्लानो कन्वेक्स लेंस, और ये हमारे पास ग्लास प्लेट है। दोनों के बीच का बच्चों जो एयर की फिल्म है, यहाँ पे ये जो एयर की फिल्म है, इसके थ्रू जो हम क्या करेंगे, एक सोर्स से दो सोर्स बना लेंगे बाय डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड मेथड। तो हमें इंटरफेरेंस के लिए क्या चाहिए, सस्टेनेबल इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोहेरेंट सोर्स। तो एक कोहेरेंट सोर्स से हम दो कोहेरेंट सोर्स बना के उनके बीच में इंटरफेरेंस इफेक्ट को स्टडी करके हमें यहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज की रिंग्स हमें मिलेंगी, अंडरस्टैंड। तो ब्राइट और डार्क की रिंग, क्योंकि ये प्लानो कन्वेक्स लेंस है ये वाला बच्चों, तो इस तरह से वन सोर्स से टू सोर्स का हम यहाँ बताएं बच्चों, तो क्या होगा, दैट इज द योर बेसिकली वन सोर्स। यदि हम यहाँ से देखें तो ये प्लानो कन्वेक्स लेंस है और ये हमारे पास ग्लास प्लेट है। तो यदि एक सोर्स आएगा यहाँ से सोडियम लाइट, तो एक तो अपर सरफेस रे जाएगी और एक लोअर फिल्म के थ्रू जो जाएगी रे, वो रे एक सोर्स से S1 और S2, और जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो यहाँ पे हमें ब्राइट रिंग मिलेगी, फ्रिंज मिलेगी, और यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई होगी वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो इस तरह से ये रिंग पैटर्न हमें टेलीस्कोप में दिखेगा, वन सोर्स से दो सोर्स हम यहाँ पे बच्चों कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह की हमारे पास रिंग्स आएगी। अब हमारा देखो, इस एक्सपेरिमेंट की ब्यूटी यही है कि जो रिंग्स, मतलब यहाँ पे मैंने बनाई है, जो रिंग्स हैं उनका डायमीटर यदि हम कैलकुलेट कर लें तो वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायमीटर, तो वेवलेंथ इज डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन अपॉन 4 PR। ये बेसिक फार्मूला है। पी जो है वो रिंग्स के बीच का डिस्टेंस, कंसेक्यूटिव, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन
कॉन्जुकेटिव रिंग्स, जैसे यहाँ पे 3, 6, 9, 12 मतलब 3, 6, 9, 12 and 15 है, तो इनके बीच का गैप कितना है, 3 है। और जैसे यहाँ पर पास थर्ड रिंग है तो डायमीटर ऑफ थर्ड रिंग यहाँ पे 3 + 3 तो डायमीटर ऑफ 6 माइनस डायमीटर ऑफ 3 यहाँ पे आप लिखते जाओगे, और यहाँ पे 6 होगा तो 9 - 6, 12 - 9, 15 - 12 तो इसका जो आपके पास मीन यहाँ आएगा, यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4 आएंगी यहाँ पे रीडिंग, ठीक है बच्चों। फिर रीडिंग के बाद ये मीन लोगे और मीन को इस फॉर्मूला नंबर 1 में पुट करके आर इज बेसिकली 900 mm हम जो लैब में लेते हैं, तो 900 mm यहाँ पुट कर दोगे और ये mm में पूरी की पूरी रीडिंग है। अब आपको सिर्फ डायमीटर यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डायमीटर के लिए हम क्या करेंगे, मेन स्केल दिस इज ए, राइट हैंड साइड एंड दिस इज बी, तो हम यहाँ पे जो है वो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से क्या होगा, हम यहाँ पे सपोज करो दिस इज योर सेकेंड रिंग, सपोज थर्ड रिंग 1, 2 and दिस इज थर्ड रिंग के राइट हैंड साइड में आप जाओगे, यहाँ पे आपको मेन स्केल की रीडिंग बच्चों पढ़नी है और प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग और मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट करना है, अंडरस्टैंड। ये मैं आपको बताऊंगा जब डेमो होगा, ठीक है। तो कैसे जो अब निकालते हो, ए एंड दिस इज बी, अगेन फिर हम क्रॉस स्लिट को इस पॉइंट पे करेंगे तभी हमारा ये ए माइनस बी आएगा। मेन स्केल पढ़ना है, सर्कुलर स्केल पढ़ना है और सर्कुलर स्केल को लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब है कि मिनिमम काउंट मेजर बाई एनी इंस्ट्रूमेंट, और ये क्या होता है मेन स्केल का मिनिमम डिवीजन, दैट इज एम एस, मेन स्केल का मिनिमम डिवीजन इन टोटल टोटल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल का मिनिमम डिवीजन, मिनिमम डिवीजन ऑफ मेन स्केल और अपॉन टोटल डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो आपको यहां से डायमीटर कैलकुलेट करना, और डायमीटर की वैल्यू को यहां से मेन स्केल सर्कुलर स्केल टोटल लिखना है, मेन स्केल सर्कुलर स्केल टोटल लिखना है, थर्ड रिंग के केस में भी, 6 में भी, 9 में भी, 12 and 15। और डायमीटर इसको माइनस कर दो, डायमीटर आ गया, डायमीटर का स्क्वायर लेना है, डी एन प्लस पी का स्क्वायर आपको आएगा यहाँ से, ठीक है बच्चों। 1, 2, 3, 4 रीडिंग आएगी, उसका मीन यहाँ पे लोगे और मीन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इससे हमें वेवलेंथ जो वो मिल जाएगा। अब हम एक्सपेरिमेंट टेबल पे जाते हैं और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डेमो ऑफ द न्यूट्रल रिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स हमारा एम क्या है, हमारा एम है न्यूट्रल रिंग एक्सपेरिमेंट से वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है सोडियम लाइट की। तो ये हमारे पास जो है ऑपरेटस है, ये सोर्स ऑफ सोडियम लाइट है, तो हमें ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये बेसिकली इंटरफेरेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इंटरफेरेंस फिनोमिनन पे बेस्ड है। तो इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या चाहिए, दो सोर्स चाहिए जो कि आपस में सुपर इम्पोज करके जो उनकी इंटेंसिटी है या एनर्जी है वो क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसमें हमारा मिनिमा एंड मैक्सिमम। तो यहाँ पे बच्चों हर एक सोर्स है, तो हम क्या करेंगे, एक सोर्स से दो सोर्स हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे जो है वो प्लेन लेंस है, और इसके ऊपर जो है वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, और इसके बीच में बच्चों ये देखिए एयर की थिन फिल्म है, गैप आपको दिख रहा होगा, तो ये एक एयर की थिन फिल्म है, और इस थिन फिल्म से हम एक सोर्स से दो सोर्स बनाते हैं, और इस मेथड को हम डिवीजन बाई एम्पलीट्यूड मेथड बोलते हैं। तो ये अपर सरफेस से जो रिंग जाएंगी मैं ऑलरेडी थ्योरी में आपको समझा चुका हूँ, और जो लोअर सरफेस जो एक जो रिंग आएगी, तो एक सोर्स से दो सोर्स जो है वो कन्वर्ट जो हो जाएंगे, और इसमें हमारे पास कंसेंट्रिक जो है वो सर्कुलर रिंग्स आपको देखेगी ब्राइट और डार्क फॉर्म में। तो हमें क्या करना है कि इन जो रिंग्स फॉर्म होगी इनका आपको डायमीटर जो है वो कैलकुलेट करना है यूजिंग मेन स्केल एंड बर्नियर को। तो ये सारी एमएम में होगा, तो डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है, और आपको टेबल मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा हुआ है। तो अब हमारे पास जो है बच्चों ये जो है वो आई पीस है, फोकस यहाँ से करना है, और ये हमारे पास ये मेन स्केल है, यहाँ पे ये हमारे पास मेन स्केल है,
ठीक है, ये और मेन स्केल यहाँ पे भी है, दिस इज द मेन स्केल और ये सर्कुलर स्केल है, तो मेन स्केल एक तो यहाँ पे है और एक जो है वो मेन स्केल यहाँ पे है। तो आपकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ से टेबल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। तो अब मैं फोकस करके आपको रिंग्स बताता हूँ एक्सपेरिमेंट की, और फिर आपको डायमीटर कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं अभी आपको बच्चों को बताता हूँ। तो नाउ अब मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, तो आप ये आपको रिंग्स जो हैं वो दिख रही होंगी, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। अब जो जो रिंग फॉर्म हो रही हैं, ये जो रिंग हैं ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये जो रिंग हैं डार्क और ब्राइट, इनका आपको डायमीटर निकालना है। तो आपको यहाँ से काउंट करना है फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग। तो आपको यहाँ से इससे आपको रिंग की पोजीशन आपको कैलकुलेट करनी है, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1/100 है, 1/100 है मेन स्केल की मिनिमम डिवीज़न 1 और सर्कुलर स्केल की टोटल जो डिवीज़न है वो है 100, अंडरस्टैंड। तो 1/100 है। तो अब आपको मेन स्केल में जो 1, 2 और थर्ड रिंग, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थर्ड रिंग का डायमीटर, 6 का डायमीटर, 9 का डायमीटर, 12 का डायमीटर एंड 15 का डायमीटर। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास स्केल है, ये जो स्केल आपको मेन स्केल में बात कर रहा हूँ, थर्ड रिंग का बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे आप जान जाइए, गए, ये मेन स्केल रीडिंग है, ये 0 है, ये 5 है और ये 10 है। तो 0, 5, 10 इस तरफ भी है, ठीक है। तो और ये जो कट लगा है ये हमारा मेन स्केल की जो आप रीडिंग है वो पढ़ने के लिए कट लगा, आपको सिर्फ डायमीटर निकालना है। तो यदि सर्कल होता है, यदि सेंटीमीटर में होता है, तो हम क्या करते हैं प्लेन और पेपर में उसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं स्केल के साथ, पर ये जो है वो mm में है। अब देखिए, अब मैंने इसको थर्ड रिंग पे सेट कर रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं अब इस वाले को 0 मान लूँ, 10 को, 5 को क्या मान लूँ बच्चे, ये 0, 5 और 0 को 10, 15 एंड 20। अगेन मैं स्केल को ऐसे कर लेता हूँ, रीडिफाइन 0, 5 और इसके बाद ये हमारे पास है 10 और ये हो गया हमारे पास 15 और ये हो गया 20। तो अब ये जो कट लगा है, देखिए ये कट जो है वो 10 पे, अब मैं इसको 10 मान लिया, तो 10 और 11 के बीच में है, आप बिल्कुल ये कट आप देख सकते हैं 10 और 11 के बीच में, क्योंकि 0 हमने ये माना हो, 0 जो है 0, 5 एंड 10। तो मेन स्केल की वैल्यू आप क्या लिखोगे बच्चों, आप लिखोगे 10 लिखोगे, और जो 10 और 11 के बीच में, तो 10 और 11 के बीच में क्या है वो कौन बताएगा, सर्कुलर स्केल बताएगा। तो यहाँ से हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखो कितनी है, 20 है, ये देखिए दिस इज द 20। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 10, 10 क्या होगा मेन स्केल की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, मेन स्केल की वैल्यू होगी आपकी 10, 10 इज योर मेन स्केल, और प्लस 10 हो गया मेन स्केल और बर्नियर स्केल हो गया 20 और 1/100 लीस्ट काउंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने जो थर्ड रिंग पे जो सेट किया है, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड रिंग के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, तो ये आ गया 10.20 mm। अब मैं इसको, ये देखिए मैंने ये थर्ड रिंग का एक बार फिर से मैं आपको फोकस करके बताता हूँ, ये जो क्रॉस बार पहली वाली मैंने रिंग को डार्क, ये देखिए ये थर्ड रिंग पे है, फर्स्ट वाली रिंग को मैंने लेफ्ट आउट कर दिया है, तो ये देखिए थर्ड रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, राइट साइड जाता हूँ, तो ये राइट साइड यहाँ देखिए, ये मैं देखिए आप ध्यान से देखोगे तो क्रॉस वायर जो है वो मूव करेगी राइट साइड को, वन को हमने रहने दिया, 2, 1 यहाँ पे है,
तो काउंट करना बच्चे आपको, तो वन टू एंड दिस इज थ्री, ये थर्ड रिंग के राइट हैंड साइड, क्योंकि आपको डायमीटर के लिए एक लेफ्ट और एक राइट आपको लेना है। देखिए साफ साफ दिख रहा है राइट के थर्ड, तभी तो आप डायमीटर कैलकुलेट करोगे। तो अब मैंने जो है वो रिंग राइट के डायमीटर में कैलकुलेट, सॉरी थर्ड के राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है जरा देखना, आप मेन स्केल पढ़ना बच्चों, ये जो कट लगा हुआ है ये कट जो है वो बेसिकली फाइव, ये जो है जीरो फाइव सिक्स सेवन एंड एट, एट के बिल्कुल पास में है, ठीक है। तो ये सेवन, फिर से एक बार देखिए, ये देखिए ये जो है सेवन और एट के बीच में है, फाइव सिक्स सेवन, सेवन और एट के बीच में है, तो इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली कितना होगा, मेन स्केल की सेवन प्लस सर्कुलर स्केल की, देखना सर्कुलर स्केल की, ये देखिए ये है थर्टी, थर्टी फोर, ये जो आप कंसाइड कर रही है ना बच्चे, ये मेन स्केल के साथ ये है 34, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 7 प्लस 34 अपॉन 1 बाई 100, तो ये हो गया 7.34। अब 10.20 माइनस 7.34 जो है बच्चों वो कितना हो गया, इसका डायमीटर हो गया, तो आप ये डायमीटर आप कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज द थर्ड रिंग। इसी तरह से आप बच्चों आप सिक्स रिंग पे आप क्रॉस वायर सेट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड की रीडिंग लोगे, राइट हैंड साइड की रीडिंग लोगे, आपके पास वैल्यू आएगी। फिर नाइन्थ रिंग के आपको जाना है, तो इसी से आपको क्या करेंगे, नाइन्थ रिंग ट्वेल्थ रिंग और फिफ्टींथ रिंग पे क्या करना है आपको, क्रॉस वायर को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जो वो लेके जाना है। इस तरह से ये डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है और फार्मूले में उसको पुट करते जाना है, और आपको मैंने ऑलरेडी फार्मूला डिस्कस कर रखा है, डायमीटर कैलकुलेट करना है थर्ड रिंग का, नाइन्थ रिंग सिक्स रिंग का, नाइन ट्वेल्व टेन फिफ्टीन, तो पी जो है हमारे पास ये देखिए इस वाले फार्मूले में, ये डायमीटर ऑफ थर्ड रिंग है, तो पी आपका मतलब कि थर्ड रिंग का गैप है, मतलब थ्री थ्री का गैप है, थर्ड सिक्स नाइन ट्वेल्व, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ सिक्स रिंग माइनस थर्ड रिंग, ये डायमीटर ऑफ नाइन्थ रिंग, सॉरी नहीं नाइन्थ माइनस सिक्स, और ये हमारे पास ट्वेल्व माइनस नाइन फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व, और आर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दे रखा हो, तो इसी तरह से बनाना बच्चों, टोटल कितना है, मेन स्केल प्लस बर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाई लिस्ट काउंट, तो इसी तरह से आपका ये एवरेज आएगा, फोर आएंगे यहाँ पे रीडिंग, उनका आपको एवरेज लेना, मीन लेना है, और यहाँ पे आपको पुट कर देना है फार्मूला में, ठीक है। तो फार्मूला में आपको ये वैल्यू जो पुट कर लेनी है मीन वैल्यू, तो फोर आएंगी डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन, तो आपको टोटल वेवलेंथ मिल जाएगी सोडियम लाइट की, और वो आएगी 5890 ऑंगस्ट्रोम के आसपास, और जो भी एरर होगा वो आप जो है वो एरर जो है वो आप उसमें मेंशन कर देना है कि कितना परसेंटेज एरर होगा। तो मैं आपको रीडिंग्स शेयर कर करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी ले रखी हैं, ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट उन रीडिंग्स को नोट करके आप वेवलेंथ को कैलकुलेट करना जो है वो आप सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।